हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आप लोग जानते हैं कि घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों लटकाया जाता है? आज हम इस छोटे से वीडियो में जानेंगे इस चीज़ के अचूक लाभ, जिन्हें आप जानते नहीं होंगे। तो ध्यान से वीडियो देखें। और ये माता रानी, माता लक्ष्मी, जो कोई आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर को खुशियों से भर देना। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घर और दुकान के बाहर नींबू और मिर्ची लटकाते हैं एक धागे में पिरोया हुआ। इसको घर के मुख्य द्वार या दुकान पर क्यों लगाया जाता है, यह नींबू मिर्ची लटकाने के अचूक लाभों के बारे में बात करेंगे। वास्तुशास्त्र में वास्तुपाय और वास्तुदोष से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जिनकी जानकारी दी गई है, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो फिर उनका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। कई वास्तु दोष दूर करने के लिए हम ऐसे ऐसे उपाय अपनाते हैं जिनसे सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। तो नींबू मिर्च लटकाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर कर दें कुछ लोगों में, और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें तथा हमारे चैनल के अन्य वीडियोज भी देखें, लाइव भी देखें, रामायण और भागवत कथा सुने लाइव। नींबू का खट्टापन और मिर्च का तीखापन, इनके ये गुणों के कारण इसे बुरी नज़र से बचाने के लिए हम लोग इसे मुख्य दरवाजे या दुकान के बाहर लगाते हैं, जिससे निगेटिव एनर्जी इनसे टकराकर वापस हो जाती है। और जहाँ ये लगे होते हैं उस घर में सिर्फ और सिर्फ, या दुकान के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव विचारों वाले लोग या शक्तियाँ ही प्रवेश करती हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के और दुकान के आगे नींबू और मिर्च लटकाने से घर में मौजूद वास्तु दोष हम दूर कर सकते हैं। घर दुकान एवं वाहनों के आगे नींबू मिर्ची लटकाने को लेकर कई लोग वैज्ञानिक सोच भी रखते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इस दोनों के घर के आगे लगाने से कीटाणु दूर होते हैं। मतलब क्या होता है कि कीटाणु वगैरह छोटे मोटे हो जाते हैं ना, वह इससे मरते रहते हैं इनसे टकरा के। एक तीखा होता है, एक खट्टा होता है। और घर के बाहर नींबू मिर्च लटकाने से नकारात्मक ऊर्जा तो दूर रहती ही है, परिवार के बीच बहुत ही पॉजिटिव, अच्छे मधुर संबंध रहते हैं, कलह नहीं होती है, और सकारात्मकता पॉजिटिव सोच के साथ सब एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और जिनके अच्छे विचार होते हैं उनके विचारों को फॉलो भी करते हैं। दुकान या ऑफिस के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च लटकाने से किसी की भी आपके व्यापार को बुरी नज़र नहीं लगती है, बुरी नज़रें उससे टकरा कर लौट जाती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें यदि हम समय रहते करते रहते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे होते रहते हैं। नींबू मिर्च अक्सर शनिवार के दिन लटकाया जाता है, क्योंकि शनिवार के दिन इसका ज़्यादा फायदा होता है लटकाने से, इसलिए दिन का भी ख्याल रखें। नींबू मिर्च लटकाते हैं तो शनिवार के दिन लटकाएं और अगले शनिवार पुराना वाला उतार कर बहते हुए जल में बहा दें, या पीपल के पेड़ के नीचे बाकी थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उसमें दबा के आ जाएं। उसको ऐसे कहीं खुला ना फेंकें, और जब ताज़ा लगाएं तभी पुराना उतार दें, 7 दिन में 15 दिन में जब आपका मन करे। ये छोटी छोटी जीवन में खुशियाँ लाने के लिए कारगर उपाय हैं, जिन्हें हमें करते रहना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि जहाँ जिस दरवाजे पर नींबू और मिर्ची लटकी होती है, वहाँ शाम के समय माता लक्ष्मी और दरिद्रा, उनकी बड़ी बहन, दोनों घूमने जब निकलती हैं तो जहाँ नींबू मिर्ची लगी होती है तीखी, तो दरिद्रा जो उनकी बड़ी बहन है वो दरवाजे से ही लौट जाती हैं, तीखी मिर्ची नींबू को चख कर कहती नहीं ये घर जाने लायक नहीं है, यहाँ तो नींबू मिर्ची खिलाई जाएगी, और वो लौट जाती हैं। और यदि अब शाम को घर के दरवाजे पर एक
घी का दीपक जला देते तो माता लक्ष्मी तुरंत प्रवेश कर जाती हैं। छोटे छोटे उपाय करें, मस्त रहें। जय माँ लक्ष्मी। कमेंट बॉक्स